सच साहस सरोकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का हुआ निधन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया दुख। सरगुजा में कलेक्टर ने किया शहर का निरीक्षण, सड़कों का दिखा बुरा हाल। कोरिया में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे बैकुंठपुर, फूलमाला के साथ स्वास्थ्य मंत्री का किया गया स्वागत। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने दी बड़ी सौगात, आम जनता की समस्याओं से हुए रूबरू। अंबिकापुर में बोरे में मिली गौवंश की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। लंबे समय के बाद बैकुंठपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का घाड़ी चौक में स्वागत कार्यक्रम रखा गया, तो वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य में ईडी कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ईडी की कार्रवाई होती है और उनको वो ध्यान नहीं रहा कि ऋण माफ़ी हो गई, उनको ध्यान नहीं रहा कि आज 2500 रुपए कम से कम धान की कीमत होगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2500 नहीं कहा था, कम से कम 2500 कहा था। इस साल 2640 रुपए में खरीदी हो रही है। नगरीय निकायों के छोटे टुकड़े जमीन के बिक्री नहीं होते थे वो बिक रहे हैं, बिजली बिल हाफ हो रही है, कई चीज़ें हैं, मैं गिनाऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो उनको ऐसी बात करना केवल इसलिए कि वो विपक्ष में है। लेमरू में प्रदेश के राजस्व मंत्री ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। राजस्व मंत्री ने क्षेत्र में उप तहसील खोलने की घोषणा की है, साथ ही ग्रामीणों की मांग पर नवीन धान खरीदी केंद्र खोले जाने का भी वादा किया। वहीं इस दौरान आम जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, राजस्व मंत्री और कोरबा सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं लोगों की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को तत्काल उन समस्याओं के समाधान करने के जरूरी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरिया के बैकुंठपुर पहुंचे, जहां वो घड़ी चौक पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद यह पहला आगमन है, जिससे गांव में लेकर शहरवासियों की भीड़ उमड़ी, साथ ही व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रही। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आईएएस अधिकारियों का नाम आना हम लोगों के लिए ये शर्म की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी का व्यवहार निष्पक्ष नहीं दिख रहा है। अधिकारियों के आईएएस अधिकारियों का भी नाम इसमें आया है, तो ये हम लोगों के लिए शर्म की भी बात है कि छत्तीसगढ़ में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा था। ईडी के संबंध में ये बात जरूर आती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष इसलिए नहीं दिखता कि जहाँ भी कार्रवाइयाँ देश भर में हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही है। हमने कर्नाटक में देखा वैसे ही हो रहा है, महाराष्ट्र में देखा वैसे ही हो रहा है, दिल्ली में देखा वैसे ही हो रहा है, बंगाल में देखा वैसे ही हो रहा है, अभी यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये दो पहलू हो जाते हैं, ईडी की विश्वसनीयता धूमिल हो जाती है अगर ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक पक्षीय अर्थात सत्ता पक्ष, केंद्रीय सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से पृथक अगर कोई खड़ा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। शिवसेना के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एनसीपी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, आम आदमी के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, टीएमसी के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या यही भ्रष्टाचार देश में है, बाकी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं? अधिकारियों के आईएएस अधिकारियों का भी नाम इसमें आया है, तो ये हम लोगों के लिए शर्म की भी बात है कि
छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का निधन, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है। बता दें कि मंडावी के नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। मंडावी 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा के और वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। साथ ही मंडावी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। बैकुंठपुर के प्रेमाबाग मंदिर परिसर में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को साल भर शेष है, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, वहीं विपक्ष के आंदोलन विरोध तेज हो रहे हैं। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। वहीं इस दौरान मंच में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेश सरकार की कमियां गिनाई। वायदे पे हर मोर्चे पे भूपेश बघेल की सरकार फेल है, ये आम जनता को भी दिखता है। और चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो हम तो हमारा काम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ही हम, लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार वाकई में चिरमिरी की बहन के साथ गैंग रेप यहाँ के युवा कांग्रेस के लड़के जाके बिलासपुर में कर रहे हैं, वाकई में शर्मनाक है। और इस बात का विरोध करते हुए हम लोगों ने मुख्यालय में जहाँ की बहन है वहाँ पर ही पुतला दहन किया और हर मंडल में पुतला दहन करने का कार्यक्रम हम लोगों ने लिखा है। घोषणा पत्र में समान वेतन और नियमितीकरण की बात कही थी, आज सारे छत्तीसगढ़ में सबके साथ धोखा किया गया है। उनके वादे को हम याद दिलाने के लिए हम इन माताओं के साथ समर्थन करने आए हैं और उनके जायज मांगों का समर्थन हम कर रहे हैं और उनको देना चाहिए, हमारा ये कहना। अंबिकापुर के नमना कला रिंग रोड पर बोरे में गाय की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना थाने में दी गई, जिसके बाद मौके पर स्वयं थाना प्रभारी उपस्थित हुए और गाय का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। वहीं इस दौरान मौके पर बजरंग दल एवं गौ सेवक उपस्थित रहे। मेरा नाम अनिरुद्ध है, बजरंग दल जिला संयोजक सरगुजा से हूं मैं। आज सवेरे यहाँ लोग जो मॉर्निंग वॉक पर टहलने आते हैं, कारमेल स्कूल के पास एक मिसनर चर्च है, चर्च के बगल में देखा बोरे में कुछ पड़ा हुआ था, तो वहाँ के लोगों से जानकारी मिली कि भैया यहाँ कुछ लाश टाइप की चीज़ें पड़ी हुई है, आप आइए। फिर हमने यहाँ मौके पे आया तो देखा कि एक गाय का लाश यहाँ पे पड़ा हुआ था। फिर हमने यहाँ से सूचना गांधीनगर थाने को दी, वहाँ से पुलिस प्रशासन आई, इस बोरे को यहाँ से उठाई शव को और अभी वेटनरी हॉस्पिटल लेके गई है। अभी इनका पीएम होगा जिससे प्राप्त जानकारी हो पाएगी कि इसके अंदर कैसे हुई है, इसे फेंका कौन है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। बजरंग यहाँ बोरे में एक बछिया थी जो कि लग रहा था, ऐसा देखने प्रतीत हो रहा था कि मर गई है या फिर कोई मार कर इसे लाकर यहाँ पर फेंक दिया है। और फिर जब हम बोरे को खोले तो मतलब दिखा कि पूरा बछिया मतलब कि पैर उसका पूरा इधर उधर टूटा फूटता था। तुरंत इसकी सूचना गांधीनगर थाने को दिया गया, टीआई सर आया और मौके पर तुरंत उठवा के इसे पीएम के लिए ले गया। भिलाई में एक फर्जी लूट के मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता युवती ही लूट के मुख्य आरोपी निकली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला बीसी चलाती है, जिसे हड़पने की नीयत से अपने साथी के साथ मिलकर 4,64,000 की राशि लूटे जाने की झूठी रिपोर्ट पुरानी थाने में लिखवाई, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच किए जाने और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद मामला खुलकर सामने आ गया, तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा में कलेक्टर अपनी टीम के साथ शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले। दरअसल शहर के आसपास की सड़कों का बड़ा ही बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कलेक्टर ने भ्रमण कर सभी खस्ताहाल सड़कों को जल्द सुधारने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो रोड्स हैं उसको ठीक करने की हम लोग को निर्देश मिले हैं, उसको उसी के तारतम्य में मैंने पहले बैठक ली थी मंगलवार को, और सभी जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जो रोड्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ मैं इंस्पेक्शन करने के लिए निकला था, तो सारे रोड्स का मैं इंस्पेक्शन किया है। फिर अभी मैं बस स्टैंड पे आया हूँ। कुछ नागरिक सुविधाओं की कमी थी, पानी की, शौचालय की, ये सब की कुछ शिकायतें थी, और उसका कुछ दुकान वालों से भी बात किया, उनकी भी कुछ कुछ शिकायतें थी। निगम को निर्देशित किया गया है कि सभी शिकायतों को देखे और ख़ास करके जो नागरिक सुविधाएँ हैं, खास करके पानी की सुविधा और शौचालय की सुविधा, वो बहुत अच्छे से हो, इसके लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश। कोरबा में सीआईएसएफ के जवानों और एससीसीएल कर्मचारियों में जबरदस्त मारपीट हो गई। बता दें एससीसीएल दीपिका परियोजना में माइनिंग सरदार पद पर नीलेश कुमार पद पर हैं, जिन्हें डीजल और चोर समझकर सीआईएसएफ के चार जवानों ने घंटा बंधक बनाकर कर्मचारी के साथ मारपीट की। रायपुर की पुलिस ने नशीले टैबलेट का धंधा करने वाले दो लोगों को पकड़ा है, जिसमें से एक मेडिकल स्टोर का मालिक भी है। ये कारोबारी अपनी दवा की दुकान में नशीली टैबलेट रखता था और इसे तस्करों को बेचा करता था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को मिली जानकारी के आधार पर रायपुर में नशे की गोलियां बेचते एक युवक को पकड़ा गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। 28 अक्टूबर से छठ महापर्व शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए इस बार लाखों श्रद्धालु महादेव घाट पर जुटेंगे। आपको बता दें कि भारत सहित विश्व में छठ महापर्व पूरी परंपरा के साथ मनाया जाएगा। छठ पर्व में डूबते सूरज और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। वहीं छठ महापर्व में महादेव घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और शुद्ध घी से बने पकवान का भंडारा किया जाएगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस